जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। पूर्वी सिंहभूम के विधायक सरजू राय जी अपने बारीडी कार्यालय में होली का आयोजन किया गया है। सुबोध श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष। होली के शुभ अवसर पर यही कहना चाहते हैं कि माननीय विधायक सरजू राय जी के नेतृत्व में जो वातावरण बना है, वो वातावरण काफ़ी शुद्धता का, सौम्यता का, आपसी भाईचारे का बना है। जनता में विश्वास जगा है, किसी को किसी से डर नहीं है। होली भी यही कहती है कि सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे समाज में अस्पृश्यता फैले। सबको मेलजोल करके आगे बढ़ने का ये पर्व है और आपसी वैमनस्यता को ख़त्म करने का ये पर्व है। होली ये संदेश देता है कि पूर्वी विधानसभा में जो वातावरण बना है, पूरे देश को इससे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। देश में उदाहरण के रूप में है। आज से 3 साल पहले जो परिस्थितियां थी, आज पूरी जनता उमंग के साथ होली मना रही है, घूम रही है, फिर रही, किसी को डर भय का वातावरण नहीं है। ये वातावरण बना रहे और होली के दिन अपने जो विपक्षी लोग हैं उनको भी संदेश देते हैं, होली का उनको भी बधाई देते हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, जो और दो दो पूर्व मुख्यमंत्री मुंडा जी थे, रघुवर जी थे और हेमंत सोरेन जी हैं, और इस क्षेत्र के जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं, सभी को होली की बधाई देते हैं और उनको भी ये संदेश देते हैं होली के अवसर पर कि सौम्यता का भाव लाए, जनता से जुड़े और आपसी रिश्ते को मजबूत करें, तभी जो है राजनीति की सही व्याख्या हो सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सभी भारतीय जनतंत्र मोर्चा के सभी जिला के पदाधिकारी, हमारे मोर्चा के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मंडलों के आए सभी कार्यकर्ता बंधुओं और माननीय विधायक जी की ओर से आज होली का आयोजन किया गया है। माननीय विधायक जी की ओर से सभी को, पूरे जमशेदपुर की जनता को हम बधाई देते हैं। विधायक जी तो पूरे झारखंड के हैं, इसलिए झारखंड की जनता को एक संदेश गया है कि आने वाला कल होली के बाद एक ऐसा वातावरण बनेगा कि एक झारखंड में एक अलग उजाला दिखने को मिलेगा। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।